समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो रालोदा का पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहा है और लड़ेंगे और जीतेंगे। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो रालोदा का पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहा है और लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो रालोदा का पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहा है और लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या मानते हैं जो वोट ट्रांसफर है और जो गठबंधन है, जैसे तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं दावा कर रही हैं कि गठबंधन में जो दावे किए जा रहे हैं वो सही साबित नहीं होंगे? जब 46 के दावे पीछे साबित हो सकते हैं तो हमारे 3 के दावे फेल कैसे हो सकते हैं? कल रईस अंसारी भी आए थे अपना सपा से नॉमिनेशन भरने के लिए, वो उनका अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। नहीं, सपा से? हाँ, सपा से तो सम्मल लेटर उन्हें मिलाएगा तो वो लड़ लेंगे, हमें मिलाएगा तो हम लड़ लेंगे। हमने जमा कर दिया। तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मुद्दे तो इतने हैं कि आप पूरे दिन भर अगर ब्रीफिंग करें तो खत्म होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था चुनाव से पहले 14 के, और उस संकल्प के जितने भी बिंदु थे, घोषणा पूरी ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन संकल्प पूरा होना चाहिए, और एक भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले का किया हुआ पूरा नहीं हुआ 5 साल के अंदर। तो ये सब मुद्दे हैं। और उसके बाद क्या क्या हुआ है? केवल गंगा और गाय पर चले रहे, ऋषिकेश से आगे गंगा का कोई काम नहीं बढ़ा। गायों की जो दुर्दशा है वो सबको विदित है, और ये छूट गया। जब कोई मुद्दा उठा तो कहीं झाड़ू लगवाने का काम शुरू कर दिया देश में, कहीं योगा का काम शुरू कर दिया, कहीं 3 तलाक का काम शुरू कर दिया। एक नए कहना चाहिए रूप में भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ती रही, लेकिन विकास के नाम पर कोई एक भी योजना इनने बनाई हो या बनाकर पूरी कर दी हो ऐसा शायद कहीं किसी को जानकारी।